हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की है वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनको पिंपल्स की समस्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जेल के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है क्लिनसोल जेल। इस जेल को यूज करने के बाद आप अपने पिंपल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, लगाने का सही तरीका क्या है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लिनसोल जेल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। क्लिनसोल जेल के बारे में बात कर तो लीफोर्ड हेल्थ केयर LTD कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर तो इसमें क्लिंडामाइसिन 1% वेट बाई वेट होता है और निकोटिनामाइड 4% वेट बाई वेट होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात कर तो ₹75 इसके MRP होता है और 15 ग्राम की यह ट्यूब आती है। अगर आपको यह जेल क्लिनसोल जेल नाम से नहीं मिलती तो आप इन नाम से भी इस जेल को खरीद सकते हैं। एक्निसोल NC जेल, क्लियर ऑन एक्स्ट्रा जेल, क्लिको जेल, क्लिंडासिल जेल, क्लिन 3 जेल, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस जेल को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनसोल जेल काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लिनसोल जेल दो दवाओं का मिश्रण है जिनमें कि क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड होता है। बात करें तो क्लिंडामाइसिन क्या काम करता है। क्लिंडामाइसिन जो त्वचा में जाकर मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करता है और निकोटिनामाइड विटामिन B का एक रूप होता है। यह त्वचा पर लगाए जाने पर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव डालता है और मुहासों से जुड़ी सूजन, लालपन और टेंडरनेस को ख़त्म करता है। तो इस तरीके से क्लिनसोल जेल अपना काम करती है। अब सबसे पहले हम क्लिनसोल जेल के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस जेल का उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी इस जेल का यूज किया जाता है। और बात कर तो अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं तब भी इस जेल का यूज किया जाता है। और बात कर तो इस जेल का उपयोग बैक्टीरियल वेजेनोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको सूजन हो गई है तो तब भी इस जेल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे इस जेल के कुछ फ़ायदे। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनसोल जेल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब आप इस जेल को यूज करते हैं तब आपको त्वचा पर पपड़ी बनना शुरू हो सकती है, आपकी त्वचा रूखी हो सकती है और एरिथेमा, जिसे हम त्वचा का लाल होना कहते हैं। और बात कर तो इसके इस्तेमाल वाली जगह पर जलन भी हो सकती है। यह इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्लिनसोल जेल को लगाना कैसे है। बात कर तो इस जेल को लगाने से पहले आपने अपनी त्वचा को माइल्ड क्लिंजर से अच्छे से धो लेना है और धो लेने के बाद आपने आपके फेस को अच्छे से सुखा लेना है और सुखा लेने के बाद आपने इसकी पतली सी परत लगानी है और इस जेल को आपने 2 सप्ताह तक यूज करना है। इस जेल को लगाने के बाद आपको हल्की सी जलन, चुभन और खुजली का कारण बन सकता है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और बात कर तो इस जेल को आपने आपकी आँखों, नाक, मुंह के संपर्क से बचाना है। अगर गलती से इन जगह पर यह जेल लग भी जाए तो आपने इस जेल को उसी समय धो लेना है। यह थी क्लिनसोल जेल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।